हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी वर्कशीट नंबर 17 करने वाले हैं, जो आपकी विज्ञान की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर कितनी है? 17 है, और आपकी विज्ञान की है, हिंदी मीडियम की वर्कशीट है। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से है तो इंग्लिश मीडियम वाली वर्कशीट करेंगे, वो भी अपलोड कर दी गई है। ठीक है, देखिए आपकी ये 14 सेप्टेम्बर की वर्कशीट है। तो सभी बच्चे स्टार्ट करेंगे। देखिए आपका इसमें स्टार्टिंग में क्या दिया गया, धातु और अधातु। लास्ट वर्कशीट में भी हमने सेम पढ़ा था, इनके भौतिक गुण के बारे में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, रासायनिक के कुछ गुण पढ़े थे हमने, इसमें भी हम लोग सेम रासायनिक गुण फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सभी बच्चे टॉपिक जरूर डालेंगे। और देखिए मैंने वीडियो अपलोड कर दिया विलोक से रिलेटेड अपने दूसरे चैनल सुजीत सिंह पे, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हो और प्राइज जीत सकते हो। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें दिया गया, हम पिछली कक्षा में अम्ल और क्षार के गुणों के बारे में पढ़ चुके हैं। कुछ सामान्य अम्ल और क्षार उनके स्रोत इस प्रकार हैं। ठीक है, देखो जो एक लैटिक अम्ल जो है आपका दही में मिलता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल आपका सिरका में मिलता है। एस्कॉर्बिक अम्ल आपका विटामिन सी जो होता है आंवले में मिलता है। और साइट्रिक अम्ल आपका खट्टे फल में मिलता है, जैसे नींबू नारंगी। हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोगशाला में उपयोग किए जाने वाले कुछ अम्ल हैं। ठीक है, ये क्या है, हम लोग किसमें लैब में इसे यूज करते हैं। कुछ सामान्य क्षारक, क्षारक पढ़ लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिनका उपयोग साबुन बनाने के लिए किया जाता है। सोडियम जो आपका हाइड्रोक्साइड होता है, उसका उपयोग बच्चों साबुन बनाने में किया जाता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग एंटासिड रूप में किया जाता है। ठीक है, अब हम धातु के कुछ रासायनिक गुण जानेंगे। ठीक है, देखो जब उसकी अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं किससे, अम्ल के साथ, तो धातु में जब अम्ल के साथ अभिक्रिया कर नमक का निर्माण करती है, क्या करती है, नमक का निर्माण करती है, और साथ ही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, तो पॉप के साथ जलती है। सभी धातुओं की अभिक्रिया करने पर दर भिन्न होती है। देखिए अम्ल को किससे, धातु से क्या कराया, रिएक्ट कराया, तो आपका क्या आया, लवण बना और प्लस हाइड्रोजन गैस निकली। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे पॉप ध्वनि से जल्दी हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस अम्ल धातु। तो आप ऐसे करके इसे पढ़ोगे। अब देखो आगे दिया है, इसलिए धातु के बर्तन में अम्लीय पदार्थ नहीं रखने चाहिए। कि आप समझ गए होंगे कि हमें एल्युमिनियम के बर्तन में नींबू का अचार क्यों नहीं रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें अगर क्षार से अभिक्रिया आप लोग कराएंगे, कुछ धातुएं क्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण नमक का निर्माण करती हैं और साथ ही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। जैसे आपका धातु के अगर क्षार के साथ करवाओगे तो आपका लवण तो बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस। सो सेम बच्चों अम्ल के साथ भी यही हुआ और आपका क्षार के साथ भी यही हुआ, दोनों के साथ सेम रिएक्शन हुई। ठीक है, अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे इसके। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक में, कुछ सामान्य अम्ल और उनके स्रोतों के नाम बताइए। ठीक है, हम इसमें सिर्फ दो लिखेंगे। देखिए आपको जब कुछ दिया जाए, अगर आप उसके दो एग्जाम्पल लिख दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जिससे मैं आपको हैंड टू हैंड ये वर्कशीट कंप्लीट करा सकूं। ठीक है, उत्तर नंबर एक, ठीक है देखो हम दो लिखेंगे, एक आप लिख सकते हो। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, एक आपका दही से मिलता है। ठीक है, दही से आपका क्या मिलता है, हमने पढ़ा था लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल, ठीक है, और आपका हमने सिरका से क्या देखा था, सिरका जो किसमें पाया जाता है, हमें सिरके में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक, ठीक है, अगर आप दो लिख दोगे तो दो इनफ है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आपका दिया गया है इसमें अचार को एल्युमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर भी मैं आपको लिखवाऊंगा, उत्तर नंबर दो। ठीक है, देखिए क्योंकि
अचार में क्या होता है? सिट्टिक अम्ल होता है, अचार में साइट्रिक अम्ल होता है। जो एल्यूमिनियम, जो एल्यूमिनियम के साथ क्या करता है? अभिक्रिया करता है। और एल्युमिनियम के लवण और हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करता है। और लवण और हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करता है। उत्पादन करता है। यह भोजन को खराब कर देता है। भोजन को क्या कर देता है? यह खराब कर देता है। तो ये था आपका उत्तर नंबर सेकंड। ठीक है, आपका थर्ड क्वेश्चन इसमें दिया गया है, क्या होता है जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं? देखो, इसका आंसर आपकी वर्कशीट में दिया गया है, आप यहां से भी इसको कर सकते हैं कि ऐसा क्या होता है जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो इसमें हमने दो दो देखा था। ठीक है, तो एक आप इसमें लिख सकते हो अम्ल से अभिक्रिया वाला। ठीक है, तो इसमें आपको ज्यादा नहीं लिखना, सिर्फ आपको इसमें इतना लिखना है, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, एक तो ये आपको हेडिंग डालनी है अम्ल से अभिक्रिया, और आप यहां से लिखोगे और यहां रिएक्शन तक। ठीक है, धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण नमक का निर्माण करती हैं और साथ ही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। सभी धातुओं की अभिक्रिया करने की दर भिन्न होती है, अम्ल प्लस धातु लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये आपका पूरा इतना हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा हो गया आपका आंसर नंबर 3। अब चलते हैं लास्ट, आपका फोर क्वेश्चन दिया गया है, अचानक से किसी गैस को जलाने पर पॉप ध्वनि कौन सी गैस की उत्पत्ति दिखाती है? तो बच्चों, इसमें सबको आंसर पता है, क्या दिखाती है? हाइड्रोजन गैस। पॉप साउंड जो आता है वो किसका आता है? हाइड्रोजन गैस का। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, होपफुली आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी, और अगर आप लोग उस गेम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जो मेरा दूसरा चैनल है सुजीत सिंह, उस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, जिसके अंदर मैंने उसकी अनबॉक्सिंग दिखाई है। ठीक है, जो सबसे लेटेस्ट वीडियो दी है, तो उसमें आपके गिफ्ट की अनबॉक्सिंग दिखाई है, जो आपको गिफ्ट मिल सकता है। अब सभी बच्चे उस वीडियो को देखेंगे, और सिर्फ आपको उस पर कमेंट करना है कुछ भी वीडियो से रिलेटेड, तो उसमें बच्चा वही सेलेक्ट होगा जो मेरे चैनल से डेली वर्कशीट करता होगा और अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर करता होगा और वीडियो को पूरी देखता होगा, तो उसका नाम डेफिनेटली सेलेक्ट हो जाएगा बच्चों। और नेक्स्ट संडे आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन बच्चा विनर है, क्योंकि मैं लाइव उसको गिफ्ट दूंगा और नेक्स्ट संडे व्लॉग अपलोड होगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।